आज तीन इशूज़ हैं जिन पे मेजर बात करेंगे हम, कुछ रेलवेज़ के बारे में, सिविल एविएशन और पीआईए के बारे में, और अगर आप चाहेंगे तो फिर बाकी बात भी कर लेंगे, लेकिन ये आपकी चाहत पर डिपेंड करता है। अगर करेंगे तो फिर उसका अच्छा, जैसे कहते हैं जी वैसे ही कर लेते हैं, आपको तो जो आप कहते हैं मान जाते हैं फर्क। सर मेहरबानी जी, पाकिस्तान रेलवेज ने 100 डेज का एक प्लान बनाया, नेक्स्ट 100 डेज का, उसकी कुछ तफसीलात मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करें ताकि पाकिस्तानी कौम को उसे आगे ही हो सके। पहली बात यह है कि हम ग्रीन लाइन की तर्ज पर, ग्रीन लाइन चुके तो बिल्कुल नया रेक है, मज़ीद नया रेक तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी तर्ज पे हम 30 जून तक दो और ट्रेन्स को अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह, कराकरम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस, और उसमें तकरीबन वो सारी चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे जो ग्रीन लाइन के अंदर मौजूद है। उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को अच्छे से पता है, तो कोशिश करेंगे कि ये भी उसके लेवल के करीब करीब आ जाएँ। ये बुनियादी तौर पर प्लान यही है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को अपनी ट्रेन्स को अपग्रेड करना है। इस बार तो अब वसाइल है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं इनको यही मशवरा दे के जाऊँगा कि ये ग्रेजुअली रेलवेज़ को उस लेवल पे लाएं जब इकॉनमी क्लास जो है वो एसी स्टैंडर्ड को इकॉनमी क्लास करार दिया जाए, क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान मुल्क है, यहाँ पे जब विंडो खुलती है सर्दी में शदीद सर्दी है और गर्मी में लू चलती है, और उससे मुसाफिर जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते, फिर मट्टी और गर्द का एक तूफ़ान होता है ट्रेन के अंदर। तो अगर ये बीच में ये खिलवाड़ ना किया जाता पाकिस्तान में जो किया गया 17 में, तो और ये निज़ाम चलता रहता, तो हमारा प्लान यही था कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हम इस काबिल हो जाएंगे कि 80-90% जो इकॉनमी है उसको हम एसी स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो बहरहाल इस वक्त ये दो ट्रेन्स हैं, इनको भी हम हाई फाई ट्रेन्स बनाने के लिए जा रहे हैं, ताकि ग्रीन लाइन पे प्रेशर बहुत है पैसेंजर्स का, ताकि उनके लिए ऑप्शंस उनको मिल जाएं कि उस लेवल का सफ़र या उससे करीब उसके लेवल का सफ़र जो है वो बाकी ट्रेन्स पर भी हो। दूसरी गुजारिश ये है कि ईद पे स्पेशल ट्रेन्स इस बार भी इंशाल्लाह चलेंगी, और समर सीज़न में हम सीजनल ट्रेन्स भी प्लान कर रहे हैं चलाने के बारे में, जिनमें अवाम एक्सप्रेस, शालीमार और बहाउद्दीन ज़करिया शामिल हैं सीजनल ट्रेन। ये मोबाइल काइंडली बंद करेंगे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट अवाम, शालीमार और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस ये प्लान कर रहे हैं। इसके बाद हम एक पेशावर से कराची तक बरास्ता पिंडी नई कार्गो ट्रेन चलाना चाह रहे हैं, जो 1,250 टन सामान ले जाने की सलाहियत रखती होगी। इसके लिए जल्द ही हम RFP जारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने तो रेलवे में पहले नहीं देखा था, बहुत ही बड़ा है। यानी तनख्वाहें देना और पेंशन देना, मैं हर बार बताता हूँ कि वो एक मसला बना होता है, तो अब जो हमें कामयाबी हुई है वो जो पहले पिछले टेन्योर में इस शोबे में नहीं हाथ पड़ सका था, वो था ब्रांडिंग। तो हम आप दुनिया में जाते हैं देखते हैं कि रेलवे स्टेशन जो हैं वो वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के लिए जगह एलोकेट की हुई हैं, हमारे यहाँ ये तस्वुर ही नहीं था। बहरहाल रेल कॉप ने बड़ा आला काम किया है, और अब हम बिल्कुल अपने हदफ के करीब आ गए हैं, और पहले मरले पर हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाहौर का सिटी रेलवे स्टेशन और रायवंड का जो स्टेशन है उसको, ग्रीन लाइन को और रेल कार्स को, इनको हम बिडिंग के ज़रिए जो है वो ब्रांडिंग जो है और एडवर्टीज़मेंट उसके लिए ओपन करने जा रहे हैं। अगले चंद हफ्तों में ये हो जाएगा इंशाल्लाह, तवक्को है कि इससे बड़ा रेवेन्यू आएगा, और अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो फिर इसको हम ग्रेजुअली पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होगा जिस पे पाकिस्तान रेलवेज़ का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, आपके लेवल क्रॉसिंग मौजूद हैं, रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल होगा। एक तो वो कलरफुल हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे, LCD स्क्रीन्स लग जाएंगी, लोगों की भी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, और वो जो बोरियत होती है मुसाफिर की वो इंतज़ार में बाज़ औक़ात उसमें कमी आएगी ऑब्वियसली, और रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा। मैं अभी आपको फिगर नहीं बता रहा, लेकिन ऐसी फिगर्स हैं कि रेलवे जो है वो अगर इस रास्ते पर चलता रहा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये
अगर अनइंटरप्टेड रहा तो 5 साल के अंदर ये आठ दस बिलियन का रेवेन्यू सिर्फ ब्रांडिंग से कमा सकते हैं, इतना पोटेंशियल है इनके पास। बहरहाल मैं इंशाल्लाह इस टेन्योर के खात्मे से पहले ये शुरू कर जाऊंगा और इनको इनकम शुरू हो जाएगी। अगली बात ये है कि दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो लैंड्स हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान रेलवेज़ का महकमा शुक्रगुजार है कि दो चीफ जस्टिस साहिबान के ऑर्डर से कि रेलवे लैंड्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कमर्शियल के लिए, वो हमें रिलीफ मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। वो बड़ा रिलीफ मिला पाकिस्तान रेलवेज़ को। तो हमें हुक्म दिया गया था कि हम रूल्स जो हैं वो फ्रेम करके कैबिनेट से अप्रूव करवाएं। रूल्स फ्रेम हो गए हैं, कैबिनेट डिवीजन को भेज दिए गए हैं, अप्रूवल इंशाल्लाह आने वाली है। उसके बाद जो है वो हम ये जो पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीनें बेकार पड़ी हुई हैं और कब्ज़ा करने वालों का इंतज़ार कर रही हैं, इनको हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑफ़र करना प्राइवेट सेक्टर को शुरू करेंगे। पूरी दुनिया का चलन यही है, सिर्फ यहाँ ये नहीं होता। तो इसमें ख़तरा मौजूद है कि आपको फिर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने फिर वही दोबारा धक्काशाही ने शुरू हो जाए, क्योंकि इस मुल्क में हर 5-7 साल बाद धक्काशाही होती है। लेकिन अब क्या किया जाए? तो अगर हमने अपने अदारों को बचाना है तो फिर हमें इनके ज़राए आमदनी में हर कीमत पर इजाफा करना पड़ेगा, कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है हमारे पास। तो हमारी जो 2600 के करीब शॉप्स थी जो कई साल से पड़ी हुई थी और उनको किसी ने वो किया ही नहीं था, नीलाम नहीं किया था, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। और जिन लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं उनको या जगह खाली करनी पड़ेगी या उन्हें रेगुलराइज होना पड़ेगा और रेलवे की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। उस सिलसिले में सिफारिशें आ रही हैं, लेकिन आपको पता है सिफारिशें यहाँ मानी नहीं जाती। तो बेहतर यह है कि रेलवे के हकाम से लोग तआवुन करें जहाँ जहाँ मौजूद हैं, और जो रेलवे की पॉलिसी है उन्हें इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम किसी से ज़्यादती नहीं करेंगे, हम किसी को बेरोज़गार भी नहीं करना चाहते। बेपनाह महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन पर बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं तो फिर आपको रेलवे को भी कुछ ना कुछ देना है ताकि हमारा भी निज़ाम अदारे का चलता रहे। ये एक बड़ी बैलेंस्ड पॉलिसी है। इसके अलावा हम जो एक और बड़ा इनिशिएटिव है वो सोलर पे, ये जो एनर्जी है, इस पर पहले इनका प्लान था कोई 8-10 अरब रुपए का इनका मंसूबा था कि सिस्टम पे कोई आई और BOT बेसिस पे लगाए। अब उसके इंतज़ार में कितने साल बैठेंगे आप? तो हमने भी ये तय किया कि ये छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे, 30-40-50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, और पाकिस्तानी सरमायाकार जो हम चाहते हैं कि वो आएँ और वो या हम BOT की बुनियाद पर हमारे स्टेशन्स को, टर्मिनल्स को, बिल्डिंग्स को, DS ऑफिसेस को, हेडक्वार्टर को, यहाँ इसको सोलराइज करें और हमारे साथ मिड टर्म के एग्रीमेंट करें जिसमें वो मुनाफा भी कमाएं, उनको फ़ायदा भी हो और हमारा जो बिजली का बिल है ये नीचे आ जाए। तो ये भी चंद दिन तक हम मंसूबा जो है इसका ऐलान कर देंगे, उसकी प्रेपरेशन हो रही है इस वक्त। वैसे तो ये किरायों में इजाफे का दौर है और बड़ी दिल पर भारी पत्थर रख के करना पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर मैं ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने फ्रेट के किरायों में कमी का फ़ैसला किया है और ये 10-15% कमी होगी, जो तकरीबन अनाउंसमेंट उसकी तैयार है। किया हमने कमर्शियल बेसिस पे है, क्योंकि अगर आप रेलवे को एक कमर्शियल अदारे की तरह चलाएंगे तभी ये अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएगा। जी इंशाल्लाह हमें फ्रेट मिलेगा इससे। हिरक ब्रिज जो था, इसकी जो तामीर थी वो शैतान की आंत बन गई थी, लंबा ही होता जा रहा था। क्वेटा जो था, हमें आपको पता है मच तक जाते हैं, वहाँ से फिर बसों के ज़रिए मुसाफिरों को कोयटा लेके जाते हैं। तो ये 15 अप्रैल तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। फंड्स का बहुत बड़ा क्राइसिस था, तो हम शुक्रगुजार हैं वहाँ पे NLC के, उन्होंने बड़ा काम किया है और हमारी तरफ से डिलेड पेमेंट्स भी जाती रही हैं, हम माजरत खाएँ हैं, लेकिन बहरहाल काम अब बिल्कुल तकमील के करीब है, क्योंकि हमने रेवेन्यू में से देना है। हमें गवर्नमेंट से इस हवाले से अभी तक कोई एक पैसा भी सैलाब के बाद अब तक नहीं मिला है एडिशनल। CBRNI सेक्शन पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बावजूद काम जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत तआवुन किया है और हमारी कोशिश ये है कि हम इस माली साल के खात्मे से पहले CBRNI सेक्शन को फ़ाल कर दें। उसके पीछे हम लगे हुए हैं, वहाँ काम शुरू होता है फिर उसके बाद रुकवा दिया जाता है सिक्योरिटी रीजंस पे। 8-8, 10-10 दिन काम रुका रहता है, फिर दोबारा हम शुरू करते हैं। बट हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इंशाल्लाह ताला ये CBRNI सेक्शन पे ट्रेन चला के ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जो हमारे रहायशी यूनिट्स हैं उनमें आपको पता है, आप सब बीट रिपोर्टर्स मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं
लोगों की जो रहाइश गाहें हैं ऑफिशियल के वहाँ पे मीटर लग जाएं ताकि रेलवे इसमें से निकल जाए। तो हमारा हदफ ये है कि तकरीबन जून 23 तक 5,500 मीटर जो है बिजली के वो और इंस्टॉल हो जाएं ताकि ये जो थेफ्ट है बिजली की ये भी कम हो और रेलवे बीच में से निकल जाए और जो पावर सप्लाई कंपनी है वो डायरेक्ट अपने क्लाइंट को डील करे। ये जो मैंने आपको अभी सोलर पैनल्स का बताया, ये 51 बिल्डिंग्स हैं जिन पे हम सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन फेज़ वन में जो है वो ऑफर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन लंबी हो जाएंगी। एयरपोर्ट्स के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का प्रोसेस जारी है। वर्ल्ड बैंक का दिल्ली अदारा IFC हमारा कंसल्टेंट है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है, टाइम लाइन को फॉलो किया जा रहा है और अब हम ECC में ये केस लेके जा रहे हैं ताकि IFC का और हमारा लीगल एग्रीमेंट हो जाए जो इंशाल्लाह चंद दिन तक हो जाएगा। और कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्स का मतलब फिर बता दूँ, इसका मतलब बेचना नहीं है। बाज़ जुहला जो है या बाज़ तासुब की बुनियाद पर ये बात करते हैं, कुछ भी बेचा नहीं जा रहा, ये एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए ऑपरेशन आप आउटसोर्स करते हैं। पूरी दुनिया यही करती है, बस हम ही नहीं करते क्योंकि हमने फैसला किया हुआ है हमने दुनिया से 150 साल पीछे रहना। तो ये जो बेस्ट दुनिया की कंपनीज हैं वो आएंगी यहाँ पे, किसी एक को नहीं नवाजा जाएगा। और कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए ड्यू डिलीजेंस के बाद जो है वो एयरपोर्ट्स का इंतज़ाम जो बेस्ट बिडर होगा उसको मिलेगा। हर चीज़ जो है वो सारी पाकिस्तानी कौम के सामने होगी और हमारी कोशिश ये है कि इन चंद महीनों के अंदर ये प्रोसेस पूरा हो जाए। अभी तक हम टाइम लाइन को फॉलो कर रहे हैं। PIA पे मुझे ये कहना है कि मैंने रेलवे जैसी एफर्ट तो वहाँ पे शायद नहीं की क्योंकि इस बार वो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी एफर्ट की है। तो वो नतीजा जो रेलवे से आ रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि वो PIA से भी आए। तो काफ़ी मेरी उनसे लंबी इंगेजमेंट PIA के ऑफिशियल्स के साथ रहती है। एक तो हमारा बहुत बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो पायलट्स हैं हमारे उनके ऊपर 32% उनकी सैलरी पे टैक्स लग गया है। हमने तनख्वाहें तो बढ़ाई हैं लेकिन हम दुनिया की जो एयरलाइंस हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी तो तनख्वाहें डबल हैं, उधर से 32% टैक्स लग गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसमें रिडक्शन हो लेकिन ये IMF का मामला बीच में रुकावट बना हुआ है। तो मैं पायलट्स को रिक्वेस्ट करूँगा जो PIA के हैं, बहुत मुश्किल टाइम है तो उनको एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अगर 1 या 2 या 4 मिनट ऊपर हो गए हैं तो कहा जाए कि अब हम बाय बुक जा रहे हैं और हम मजीद काम नहीं करेंगे, उससे फिर फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं, उससे लोगों के लिए मसले बनते हैं। मुसाफिरों का तो कोई कसूर नहीं है और कसूर हमारा भी कोई नहीं है क्योंकि PIA के लोग जानते हैं कि वहाँ पर कोई सियासत नहीं है, इस वक्त किसी भी तरह की कोई मुदाखलत नहीं है। फॉरन पोस्टिंग्स हैं या प्रमोशन हैं या जो कुछ भी है उसमें सियासत नहीं है, वो प्योरली मेरिट पर हो रही हैं। तो हम फायर फाइटिंग के फेज़ में हैं। मैं PIA के पायलट्स को दरख्वास्त करूंगा कि वो जैसे पहले जानफशानी से काम करते हैं, दयानतदारी से काम करते हैं, मेहरबानी करें, उनका अपना मुल्क है, उनका अपना अदारा है। इस अदारे को हम बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और ये सर तोड़ कोशिशें आखिरी हैं। इसके बाद अगर ये ना कामयाब हुई तो किसी और तरफ चला जाएगा मामला, जो मैं देख रहा हूँ बतौर एक वज़ीर के जो मामलात मेरे सामने आए। तो इसलिए हमें मिल के काम करना है। तो वो तकलीफ से तो गुजर रहे हैं यकीनी तौर पे, महंगाई बहुत हो गई है, दुनिया में अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और जो हमें छोड़ के चले गए हैं उन्हें मैंने कुछ नहीं कहना क्योंकि छोड़ के वही जाते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं। मुश्किल वक्त में तो फिर आपको साथ निभाना पड़ता है। तो जो साथ निभा रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ी हिम्मत और करें, हौसला और करें और इन फ़्लाइट्स को चलाएँ और कोशिश करें कि PIA की फ़्लाइट कैंसिल ना हो। कैंसलेशन से जो इमेज है वो ख़राब होता है, पहले ही कोई इतना अच्छा इमेज नहीं है बदकिस्मती से, और मुसाफिरों को बहुत सख्त तकलीफ़ होती है और आपके रेवेन्यू जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। लोग कहते हैं यार इतने सफ़र नहीं करना। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग वापस आ जाएं तो फिर रेल PIA को फिर अपनी फ़्लाइट्स को कोशिश करनी है कि कम से कम कैंसलेशन हो। उसके लिए क्रू की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है और इस वक्त हमारी जेब में इतने पैसे नहीं है कि हम दुनिया की एयरलाइंस का मुकाबला करें। इस मजबूरी को समझें और ये जो मेरी अपील है ये सभी के साथ है, दरख्वास्त है ये, और ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, रियासत के लिए कर रहा हूँ, इस मुल्क के लिए कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े कौमी अदारे को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये आप मेहरबानी करके आप ये बोझ अभी मज़ीद लें
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई रिलीफ मिले, जितना दे सकते थे वो दिया भी है, तो इसको हमें चलाना है, हमने अदारों को गिरने नहीं देना। बहरहाल पी आई ए की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। उसके लिए आजकल हम जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं उनके साथ, जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की है उन एयरलाइंस की जो डूब गई थी, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। 4-5 बड़े कंसल्टेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल, उनसे हमारी बातचीत हुई है, और बहुत जल्द जो है वो हम इसका एक तैयार कर लेंगे डॉक्यूमेंट और फिर उसको एडवर्टाइज़ करेंगे, और वो फिर हमें बताएंगे कि किस किस शोबे को कैसे कैसे रीस्ट्रक्चर करना है, और उसका निज़ाम भी कोई इस तरह का बनाया जाएगा कि पार्शल पेमेंट्स होंगी कंसल्टेंट्स को, जो सक्सेस रेट होगा उसकी बुनियाद पे। तो इस तरह का एक हम एफर्ट करने जा रहे हैं, और कोशिश ये है कि ये रीस्ट्रक्चरिंग जो है ये इसका रोड मैप हम इन चंद महीनों में दे जाएं और उस पर अमल दरामद शुरू करवा दें। बाकी बहुत बातें हैं कहने वाली कि हमने सीटें बेहतर की हैं, बाकी सीटें बेहतर होंगी, खाना बेहतर हो गया है, टर्किश एयरलाइन के साथ हमारा जॉइंट वेंचर हो गया है, ये सारी बातें चलती रहेंगी। बेपना प्रेशर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पीआईए को ये बात अच्छे से मालूम है कि प्रेशर्स क्या हैं और उनका मुकाबला किधर किधर है और कहाँ कहाँ से हमारी आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब आप हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं फिर आर्म ट्विस्टिंग होती है। तो ये सब मिलकर बचा सकते हैं चीज़ों को, सब मिलकर मुकाबला करेंगे तो इंशाल्लाह इस मुश्किल से हम निकल जाएंगे। पीआईए के जो जहाज़ हैं जो कैनेडा और पाकिस्तान के दरमियान LR हैं 777, उनकी जो सीट्स हैं उनके ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। चंद महीने तो लग जाएंगे लेकिन वो इंशाल्लाह ताला सीट्स जो हैं वो A1 हो जाएंगी, कैबन बदल जाएगा, इंफोटेनमेंट भी उसके अंदर आ जाएगी, उस पर हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। A320 की भी 14 A320 हैं, 4 उसमें नए हैं, बाकियों में से अब तक 7 जहाज ऐसे हैं जिनकी सीट्स चेंज होनी थी, 5 रह गई हैं, 2 हमने कर ली हैं, उनमें हमने नई सीट्स लगा दी हैं, बाकी भी करेंगे। तो जो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का बैन का मामला है उस पर अब हम करीब आ गए हैं अपनी मंजिल के, या कुछ लेजिस्लेशन जो थी पाकिस्तान में होने वाली थी जिसके ज़रिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और रेगुलेटरी जो CAA है उसने अलग अलग होना था, जैसी कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, उसमें कुछ इश्यूज थे डिपार्टमेंट्स के अंदर आपस में, उनको हमने काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लिया, तो वो लेजिस्लेशन जो जो जहाँ कंसेंसिस हो गया वो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो मेरा ख्याल है कि चंद माह के अंदर हम इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान की एयरलाइंस जो हैं वो UK कम अज़ कम जाना शुरू कर देंगी, फिर उसके बाद यूरोप भी ओपन होगा उसके लिए। ये तो थी डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात। एक ट्रेन की वीडियो वायरल हुई भी है और मुझे भी कोई 10-12 मैसेज आ गए हैं, ये ट्रेन गुजरांवाला आप सब ने भी देखी होगी, गुजरांवाला में रुकी हुई है। अब आप ये बताइए कि दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म है, तो भाई प्लेटफॉर्म पर उतरो जब प्लेटफॉर्म मौजूद है, इधर से उतरने की क्या ज़रूरत है। और ये हमारा एक मुमी रवैया बदकिस्मती से, अब गार्ड या जो ड्राइवर है वो लोगों को फिज़िकली नहीं रोक सकता, तो जब प्लेटफॉर्म मौजूद है, प्लेटफॉर्म के साथ गाड़ी खड़ी है, तो आप उधर से उतरें, जो तरीकाकार है। बच्चों और ख़वातीन के साथ अगर आप उतरेंगे तो खुदा ना खासा गिरेंगे तो कोई हड्डी टूट सकती है, चोट आ सकती है, तो कुछ मुसाफरों ने भी ख्याल करना है कि चढ़ने और उतरने का तरीका क्या है। ये मैं वाजे कर दूँ कि आप सबको पता है, शायद लोगों को पता नहीं है, स्टॉप 5 मिनट का और 4 मिनट का हो चुका है, पहले 2 मिनट का होता था। ये कुछ अर्सा पहले ही मैंने इनसे गुजारिश की थी कि यार चढ़ने उतरने में बड़ी तकलीफ़ होती है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इन्होंने मेहरबानी की, रेलवेज़ अब 4 मिनट और 5 मिनट का स्टॉप ऑलरेडी कर चुकी है, कहीं भी 1 या 2 मिनट का स्टॉप मेरे लम्बे तो नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये बात अब हो गई है, अब कोई सवाल करना चाहें, कोई और बात करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी चीज़ को छुपाऊँ, लेकिन अब बात यह है कि आपके पास रोलिंग स्टॉक खड़ा हो, पैसेंजर भी अवेलेबल हो, आप उसको इस्तेमाल ना करें, और हालात ये हों कि तनख्वाहें देने के लिए मुश्किल आती हो, लोग परेशान फिर रहे हों, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हर वक्त तुम मंगते नहीं बन सकते कि जाके वफाकी हुकूमत से पैसे मांगते रहें, उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म है जिनको बड़ा करना पड़ेगा, वो मनसूबा हमने बना लिया है, उसके लिए वो टाइम लगेगा क्योंकि वो पैसों से होता सारा काम। तो बात जायज़ है लेकिन अभी इसे कुछ अर्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा।
इजाफा किया है पिछले डीजल के साथ साथ, लेकिन इसके इस वक्त आपकी 10 मार्च तक जो अर्निंग है वो टारगेट से आप 4 अरब रुपए पीछे हैं, जबकि देखा जाए तो जनवरी तक आपका जो खसारा है वो 30 अरब रुपए तक है और 5 माह में बाकी खसारा कहाँ तक पहुँचेगा? दिल्ली के हालात आपके प्रीवियस दौर से इस दफा मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। वो इसलिए मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं कि अगर बंदरगाह पे काम नहीं होगा तो मैंने फ्रेट अपना किसी कहीं से किसी का तो उठा के नहीं लाना ना भाई जान। हमारा फ्रेट का काम डिस्टर्ब हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंदरगाह पे उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे काम सामान आएगा तो हम उठाएँगे ना, लोकोमोटिव मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, ट्रैक मौजूद है, हमारे पास ये फ्रेट वैगन्स मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। अब अगर मिसाल के तौर पर साहिवाल का कोयला है, अरबों रुपया साल का वहाँ से आता था, अगर वो जो कंपनी है वो कोयला इंपोर्ट ही नहीं करेगी जो साउथ अफ्रीका से करती थी, तो मेरा तो रोलिंग स्टॉक खड़ा रहेगा, और खड़ा रहेगा तो वो रेवेन्यू नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि बंदरगाह जो है फंक्शन उस तरीके से नहीं है, क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि उस डॉलर की कमी की वजह से उस तरह की इम्पोर्ट नहीं हो रही पाकिस्तान में। ये जो भी मामला रियासत का होगा, जो हालात होंगे, वो तमाम उसके इदारों पर उसका असर पड़ेगा। हम इस वक्त जो पैसे कमा रहे हैं वो पैसेंजर में से कमा रहे हैं, और फ्रेट के अंदर जो हमारा टारगेट है वो इसलिए पूरा नहीं हो रहा कि फ्रेट के लिए सामान अवेलेबल नहीं है। वो सामान हमें, हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी इनकम जो है वो कराची पोर्ट से होती है, आप सबको पता ये बात। पोर्ट चलेगी, वहाँ से वो फुल टर्म में काम करेगी, तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हर चीज़ मौजूद है हमारे पास। यार देखिए, नहीं नहीं पहले एक ही करके करो ना, ये खसारा क्या है मुझे बताइए। ये जो खसारा खसारा हम हर वक्त कहते हैं भाई, रेलवे उन महकमों में शायद वाहिद महकमा है जो कमा के तनख्वाह भी देता है, कमा के पेंशन भी देता है, गैप गवर्नमेंट पूरा करती है, और हम इसे खसारा कहते हैं। अगर और अदारे हैं तो उनकी पेंशन वो अदारे पे करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट पे करती है टैक्स पेयर के पैसे से। यहाँ उल्टा काम है, यहाँ पर आपने पहले पैसे कमाने हैं, पैसे कमा के तनख्वाहें देनी है, पैसे कमा के 1,25,000 पेंशनर्स को पूरा करना है। अब वो जो गैप है, वो गैप किसी ने पूरा करना है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, उसका नाम खसारा है। सो आप उसे खसारा कह लें या आप उसे जो भी कह लें, ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर ये पेंशन का बोझ उतार दिया जाए तो पाकिस्तान रेलवे वायबल है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, एफर्ट करेंगे, वायबल हो जाएगा, लेकिन अगर पेंशन का बोझ नहीं उतरेगा जो डे टू डे बढ़ता जा रहा है। फिर एक और बात है, फेडरल गवर्नमेंट हर साल पेंशन बढ़ाती है, बढ़ाने का हक उसको है, पर जो अदारा खुद कमाता है उससे तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप अफोर्ड करते हैं। बाकी तो कमा के नहीं देते ना, रेलवे तो कमा के दे रहा है, और कभी किसी ने रेलवे के जीएम को या सेक्रेटरी को या किसी भी वजीर रेलवे को, किसी वफाकी हुकूमत ने पूछा कि हम ये बढ़ाने लगे हैं तुम अफोर्ड करते हो? कोई पूछता ही नहीं है कभी। लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो खसारा रेलवे के ऊपर आ जाता है, क्योंकि खसारा तो है वो। नहीं, किसी और को भी मौका देना, अब उनको देना तो हो गई बात यार। अब आगे गुजारिश यह है कि बिल्कुल भी किसी अदालत के सामने खड़ा होने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप बीच में से एक चीज़ उठा लें और आइसोलेशन में कहेंगे ये हो गया है। ये जो 30 अप्रैल के इंतखाबात की डेट दी गई थी, ये हम समझते हैं कि आइसोलेशन में है। इस तरह नहीं होता कि पहले किसी को रगड़ो, रगेदो, रियासती अदारे मिलके एक सियासतदान नुमा एक आदमी के साथ, तो वो उनको ख़राब करे, एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दो साजिश के ज़रिए, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान भी मौजूद हों, जजेस भी मौजूद हों, सहाफ़ी भी बाज़ मौजूद हों, और एक बेनिफिशरी बन जाए एक पार्टी, उसको इम्पोज कर दो, चलते हुए मुल्क को ख़राब कर दो, उनको चोर डिक्लेयर कर दो, फिर चोर शपथ भी ना कर सको, जेलों में डाल दो, डेढ़ डेढ़ दो दो साल उनके घर वालों को, उनको मेंटल टॉर्चर करो, उनके कारोबारों को तबाह करो, मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश कर दो, और उसके बाद अगर आपको एक आईनी तब्दीली के जरिए निकाला जाए तो फिर उसके बाद मजलूम बन के लोगों के सामने आ जाओ, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है जी, अमेरिका की साजिश थी, और फिर अमेरिकियों के जूते पॉलिश करने शुरू कर दो, वहाँ लॉबिंग फर्मों को हायर करो। तो ये जो इमरान और उसके सहूलतकार हैं, वो उनको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा कि
आप गुज़िश्ता से पैवस्ता बात ना करें, 2017 की पोजीशन पे पाकिस्तान को वापस जाना है लेके आपने, जिन जिन ने ये काम किया है, चोर 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 निकला कामा बीच में से, और क्या निकला, ब्लैक डॉट डिक्शनरी, और क्या निकला कि जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली। नवाज शरीफ तो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में करप्शन निकालनी थी ना भाई। आज मैं हिसाब लगा रहा था, 19-20 साल है अपोजिशन के मियां नवाज शरीफ के, अपोजिशन लाइफ के, मुशरफ का दौर डाल लें, जब पीपीपी से हमारा झगड़ा था उनका दौर डाल लें, आप ये नकाब पोश मार्शल जो था इमरान का गैर लानिया उसको काउंट करें, 19-20 साल का अपोजिशन है, एक करप्शन का केस नहीं साबित कर सके यार कोई भी। आपको याद नहीं है कि ये नैब के अंदर रिटायर्ड सेशन जज लगा रहे थे जिन्हें हाईकोर्ट के जजेस की मराद देनी थी, और उनका टारगेट यह था कि हमें सजाएं दें और डिस्क्वालीफाई करें, ये भूल गए हैं लोग। दूसरी बात यह है कि सूबाई असेंबली बच्चों का खिलौना है, एक आदमी ने कहा असेंबली तोड़ दो, असेंबली टूट गई, किसी ने वजह बताई, किसी ने वजह पूछी, कोई सुबह वोटो हुआ उसके ऊपर, कुछ भी नहीं। एक आदमी ने हुक्म दिया, 2 वजीर आला जमीन पर लेट गए, जमीन चाटने लगे, उन्होंने तोड़ दी असेंबली, सूबों के अवाम के मैंडेट से खिलवाड़ किया आपने। अब आप चाहते हैं जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप कहेंगे वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप फासिस्ट हैं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, आप फासिस्ट हैं, आपका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप आइन शिकन है, आपने एक बार आइन तोड़ा, आज आपको आइन याद आ गया, आज पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं, एक झूठी मकबूलियत का एक वो नैरेटिव बनाया गया है, और ये कल्ट फॉलोइंग है, और पाकिस्तान को कल्ट फॉलोइंग के हवाले नहीं होने देंगे हम। पाकिस्तान इन्होंने बनाया, हमने बनाया पाकिस्तान, हमारे बुजुर्गों ने बनाया, हम अपनी वहां जायदादें छोड़ के आए हैं और यहां आके फिर सिफर जिंदगी शुरू की है। चोर और मुजरम बनने के लिए नहीं बैठे हुए हम यहां पे। अगर चोरी की तो दिखाओ चोरी किधर की है, किधर की है चोरी, मुझे बताइए, क्यों कहा चोर, क्यों कहा सिसिलियन माफिया, सिसिलियन माफिया आप खुद थे, आप चीफ जस्टिस बन के बैठे हुए थे, और आप रात को जो थे मिली भगत से आप फैसले करते थे, जो ये होता रहा इस मुल्क के अंदर, किसी को शर्म आई, किसी ने माफी मांगी कौम से, इनफरादी माफियां मांगते हैं मिलके, इनफरादी माफियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मैंने उनको कहा था इनफरादी माफी ना मांगे, पाकिस्तान की कौम से माफी मांगे, मुझसे माफी मांगे क्या फायदा, मैं तो जो खराब होना था हो गया, जेल काटनी थी काट ली, जो तबाही मचानी थी मचा दी आपने, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और अब कहा जाता है कि जनाबे वाला इमरान खान को वापस ले आओ। नवाज शरीफ को इंसाफ किसने देना है जी, वही दें जिन्होंने नाइंसाफी की है। नवाज शरीफ ने कौन सा जुर्म किया था, ये सारी तरक्की उन्हीं के अदवार में तो हुई है। एक आदमी को जो बिल्कुल शफाफ आदमी है उसको कह दिया कि जी ये चोर है, उसके बाद ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया, सारी एजेंसियां रियासती अदारे इसी काम पे लग गए, अब ये इसका टोकरा हमने उठा लिया है, और अब चूंकि नजर आ रहा है कि महंगाई की वजह से लोग परेशान है, तो समझा जा रहा है कि यही टाइम है इनको फिर गिराओ दोबारा, तो फिर गिराने वाला चक्कर नहीं है। मैं एक मिनट यार बोल रहे थे मुझे, फिर गिराने वाला कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल इस तरीके बार हम भी इस तरह पीछे हटने के हमारा कोई इरादा नहीं, हमने हम इस मुल्क में जूते खाने के लिए पैदा नहीं हुए, और हम ये फजूल गुफ्तगू सुनने के लिए भी पैदा नहीं हुए और नहीं आए हुए कि इस मुल्क को सर्व भी करो, खून भी दो, जमहूरियत के लिए लड़ो, जेलों में जाओ, हर अमरियत को चैलेंज करो, और उसके बाद चोर का टाइटल लो। सबूत क्यों नहीं दिया, 18 साल में साबित क्यों नहीं किया गया जो अपोजिशन के 18 साल है कि भाई ये चोरी की थी नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या हमें से किसी ने। याद है आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मेरे एक केस में आया था, तमाचा था वो सहूलतकारों के मुंह पे, तमाचा था, उनको तमाचे की पता नहीं, जरबी बेहिस लोग हैं, हया ही नहीं आई उन लोगों को, बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने जनाब, झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। तो इमरान खान तो लोगों को गुमराह करने वाला आदमी है, अब ये जलसा करे या जलसी करे, रैला करे या रैली करे, इसको इस तरह रास्ता नहीं मिलना। अगर रास्ता लेना तो उसका भी तरीका है, अगर आप पूछेंगे तो मैं उस पर भी बात करूंगा। पता नहीं भाई, हमें तो इस तरह की गैब की बातों का पता नहीं है। ये इमरान खान के वजीर थे जिन्हें गैब का इलम होता था, कल साद रफीक पकड़ा जाएगा और नैब पकड़ लेती थी, परसों राणा सनाउला पकड़ा जाएगा और उस पर हीरोइन डाल दी जाती थी, चौथ शाहिद खकान अब्बासी तुमने कहा है मैंने अंदर जाना, अच्छा तुम्हें मैं अंदर करवा रहा हूँ, ये इमरान खान ही था ना। और फिर जब वो पकड़ा जाए तो कहता था, ये कहता था मैंने जेल जाना है मुझे डालो, मैंने डाल दिया। हमें तो भाई इस तरह का कुछ पता नहीं है, हमें नहीं पता कि वो नाअहल होगा या नहीं होगा, हम अवामी अहलियत और अवामी नाअहली पर यकीन रखने वाले लोग हैं। बाकी अगर आपने फॉरेन फंडिंग ली है, आपने तोशाखाना में झाड़ू फेरी है, आपने वो बिलियन ट्री सुनामी
जिसने सलमानी टोपी पहनी हुई है, मिलती नहीं है किधर बिलियन ट्री, इस तरह की वारदातें की हैं आपने। आपने उस्मान बुज़दार के जरिए अगर पंजाब को लूटा है और पैसा आपके घर जाता था, और जब रियासती अहदेदार और एजेंसियों के सीनियर अफसरान आपको टोकते थे तो आप उनके तबादले करवा देते थे, तो वो जो गुनाह आपने किए हैं वो गुनाह सामने अगर आ रहे हैं तो फिर कानून हरकत में आएगा, तो जाके अदालतों में सामना करो। चिक्कू सा पहन के चला जाता वहां पर, कभी ऐसा आदमी देखा है? सुने, हमारी जिंदगी को खतरात लायक नहीं है, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। मैं तो हैरान हूं क्या आदमी है ये, लीडर नहीं गीदड़ है। बिल्कुल ठीक, इसके बारे में ट्रेंड चला था, लीडर नहीं गीदड़ है ये, गीदड़ ये काम करते हैं। हम जब पकड़ के लेके जाते हैं थानों में, वो जेलों में से, तो वो कोशिश करते हैं कि वो पता नहीं वो काला कपड़ा डाल दें। मैंने तो आज तक नहीं डालने दिया किसी को, ना मैंने हैंडकफ करने दिया किसी को। क्यों करेंगे वो मुझे हैंडकफ? मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, मैं अगर जेल गया हूँ तो लगाए ना मुझे कोई हथकड़ी। मैंने आज तक इसकी इजाज़त नहीं दी, कभी देखी है? बहुत कोशिश की गई है। ये हथकड़ियाँ जब इनको लगती हैं, और जब चले हथकड़ी तो लगती है, वो जो छिक्कू सा पहना हुआ है लोहे का, उन्हीं पुलिस वालों पर शक करता है, मुझे पुलिस वाले मार देंगे, खुदा ना खास्ता पुलिस वाले पागल हैं मार देंगे यार। पुलिस वालों को तुमने समझा क्या हुआ भाई, वो कानून के मुहाफिज हैं, वही पुलिस वाले आपकी हिफाजत करते हैं। कोई लीडर मुझे बताए पाकिस्तान का, ये अकेला वजीर आजम तो नहीं रहा, कोई एक वजीर आजम मुझे बता दें जो अदालतों में जाता था। मुलजम तो सब बने हैं बारी बारी, हमारी मुकद्दर में ये लिखा हुआ, वो इस तरह आहनी शील्ड्स के साथ जाता था, और वो एक लोहे की वो बुलेट प्रूफ पता नहीं क्या चीज बनी हुई है, वो उसके सर के ऊपर डाल देते हैं, बीच में से देख रहा होता छुप छुप के, यार ये क्या आदमी हो, इस तरह होता है। अच्छा, अब ये और मैं बात बताऊंगा आपको, वो मैंने एक ट्वीट किया इसकी तस्वीर को, वो जो इसने फुलादी बॉक्स बनाया हुआ था, तो पीटीआई के जो ट्रॉल्स हैं उन्होंने एक मियाँ साहब का एड्रेस दिखाया जिसमें मैं और परवेज रशीद साहब बैठे हुए हैं, हम पिंडी से गुजर रहे थे। भाई जब हम लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे तो ऑब्वियसली हमने बुलेट प्रूफ अरेंजमेंट करना था, बड़ा लंबा सफर था, लाखों लोग थे, और आप जलसे में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जुलूस में आप डिस्टेंस मेंटेन कर नहीं सकते। ये जलसा गांव में मीनारे पाकिस्तान के मीनार के ऊपर चढ़ा हुआ था कि यार मुझे कुछ ना हो जाए, और बाकियों को खुला छोड़ा हुआ था। तुम्हारा नवाज शरीफ के साथ क्या मुकाबला है? वो लीडर है, तुम गीदड़ हो। वो तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जेल काटने आ गया था, और जेल काटी हम रोकते रह गए, तुम दो दिन नहीं काट सकते। भागता फिरता फांसी जमानत दे दो, कभी अदालतों पर चढ़ाई करता है, लोगों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है, ये कोई आदमी है? मैं तो हैरान हूं उनकी अकल पर जिन्होंने इसे लीडर माना हुआ है। एक डॉन की तरह बिहेव करता है, गैंगस्टर की तरह। उसी ने पीछे उस्मान ही एक एक करके ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मुझे खुशी भी है कि आपने ये क्वेश्चन किया, और ये बड़ी रेलेवेंसी है इसकी। अब इस पे एक ज़रा संजीदा बात करते हैं। रिफॉर्म्स तो पार्लियामेंट करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। रिफॉर्म्स उसी वक्त होंगी जब सारी सियासी जमातें पसंद है या नापसंद है वो एक जगह पे बैठ के बात करेंगी। एक जगह पे बैठ के बात करने का माहौल नहीं है। हमने बहुत माजी में कोशिश की है, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की शक्ल में कोशिश की, हमने फैटफ के कवानीन पे अपोजिशन में थे तावुन किया, हमने 12 कोशिश की कि मिलके किसी तरह पार्लियामान को मजबूत करें। अगर पार्लियामेंट पे हमले सियासतदान खुद करते रहेंगे तो फिर आप किसी की गोशमाली नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जमहूरियत वैसी मजबूत कभी भी नहीं थी आज समेत जैसी जमहूरियत चाहिए पाकिस्तान को, यही सच है, और इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। लेकिन जमहूरियत को कमज़ोर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के बाज़ लोग नहीं करते, हम भी करते हैं। जब हम आपस में फाइट करते हैं और बेरहमी से लड़ते हैं और इक्तदार के लिए, हम उन्हीं अदारों पर पिल पड़ते हैं जो अदारे हमें प्रोटेक्ट करते हैं या जो अवाम के राइट्स को महफूज करते हैं, वो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट तभी मजबूत होगा जब सियासी जमातें ये समझेंगी
कि उन्होंने ग्रोही मुफादात से ऊपर उठ के बात करनी है, एक दूसरे से बात करके रास्ता निकलेगा, बात करने का माहौल नहीं है। और ये माहौल मैं बार बार कहूंगा तकरार से, हमने खराब नहीं किया, हमने हमेशा बात करने की कोशिश किया। हमने माजी में गलतियां की थी, हमने और पीपल्स पार्टी ने, हम सीख गए थे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था। बिसाके जमहूरियत के बाद कोई गलती जरूर हुई होगी, लेकिन शौरी तौर पे दानिस्ता गलती नहीं की कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। तो ये आ गया बैरूपिया बीच के अंदर, जब तक ये जमीन पर नहीं उतरता और इसके फॉलोअर्स, उन्हें बात समझ नहीं आती तो कश्ती चकोले खाती रहेगी। बात इनको समझ आनी चाहिए। देखिए जी, बात यह है कि आप अदालत से फैसले का हक और इख्तियार तो वापस नहीं ले सकते, वो तो फैसला तो अदालत ने करना है। आपको फैसला अच्छा लगे, आपको फैसला बुरा लगे, आप फैसले पर तनकीद तो करने का हक रखते हैं, लेकिन आप फैसले के ऊपर तो अमल दरामद करना होता है। पहले तो मैं ये बात बड़ी वाज़ेह करता हूँ, क्योंकि हमें पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके नहीं जाना है कि यहाँ पर किसी का कुछ पल्ले बाकी ना रह जाए। तो लेकिन बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और हमारा ख्याल है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको इसका जायज़ा लेगी, वो ये है कि पाकिस्तान में आईन ये कहता है कि जब मरदमशुमारी शुरू हो जाएगी तो मरदमशुमारी की तकमील के बाद इलेक्शन होगा। मरदमशुमारी कब की स्टार्ट हो चुकी है? पिछली मरदमशुमारी पर आपको अच्छे से पता है, सिंध के, स्पेशली शहर कराची के, बलोचिस्तान सूबे के और फाटा के एतराज़ात थे। ये सारे पाकिस्तान हैं। आप इन एतराज़ात के साथ अगर आगे बढ़ जाते, फिर एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ सियासी कुव्वतों के दरमियान, जिसमें पीटीआई भी बैठी कि भाई ये सेंसस दोबारा होगा और ट्रांसपेरेंट इसको और करने की कोशिश की जाएगी। ये बात आपको पता है। अब वो सेंसस प्रोसेस में है, अरबों रुपया खर्च हो चुका है उसके ऊपर। वो आप मुझे बताइए, अगर एक इलेक्शन दो असेंबलियों का, चार फेडरेटिंग यूनिट हैं पाकिस्तान में, दो असेंबली का इलेक्शन आप करवा देते हैं कल, और दो का आज की मरदमशुमारी पे, और दो असेंबलियों का वफाका कराते हैं कल नई मरदमशुमारी पे, तो डीलिमिटेशन कैसे होगी? वसाइल की तकसीम के ऊपर सवाल उठेंगे, एक नई लड़ाई वफाक के अंदर शुरू हो जाएगी। तो ये जो चारों वफाकी इकाइयाँ हैं, इनको जब तक आप लेके साथ नहीं चलते, मुल्क मुकम्मल नहीं होता। ये एक पोलिटिकल प्रॉब्लम है, और ये बड़ा सीरियस पोलिटिकल प्रॉब्लम है। हमने पैदा नहीं किया, ये एक सिचुएशन पैदा हुई है। वो मरदमशुमारी आप होने दें, उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, उसकी बुनियाद पे डीलिमिटेशन हो, जो आईन पाकिस्तान का तकाजा है। आईन ये नहीं कहता सिर्फ के 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आईन ये भी कहता है शफाफ कराओ, गैर जानबदार कराओ। आईन ये भी कहता है कि मरदमशुमारी हो रही हो तो फिर मरदमशुमारी को मुकम्मल करो। तो आईन की एक शिक नहीं देखनी, आईन को टोटलिटी के अंदर देखना आपने, और आपने ये भी देखना आईन के साथ साथ कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर क्या है, लोगों की आज सोच क्या है। आप चार वफाकी इकाइयों को दो दो को अलग अलग डील नहीं कर सकते। ऑलरेडी एक एहसास महरूमी की बात है। एक और बात है, अगर आप पंजाब में इलेक्शन करवाते हैं, पंजाब में किसी ने तो जीतना है, पंजाब के पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, क्या मैं गलत कह रहा हूं? वो जो पंजाब में जमात जीतेगी, जो भी जीतेगी वो, या पंजाब और केपी में, वो हुकूमतें 5 साल के लिए आएंगी, वो इन्फ्लुएंस करेंगी बाकी दो सूबों में और वफाक के इलेक्शन को। उस इलेक्शन की क्या हैसियत रह जाएगी? क्या वो शफाफ रह जाएगा? क्या वो इम्पार्शल होगा? क्या उस इलेक्शन के नताइज को सारे स्टेक होल्डर मानेंगे? आगे 70 के इलेक्शन में देख नहीं लिया कि जब नताइज नहीं मानेंगे तो मुल्क टूट गया? पाकिस्तान के साथ कितनी बार ये काम करना है हमने? बहुत नहीं हो गया इस मुल्क के साथ? ये नहीं है कि एक हुकूमत रहे, हमने हुकूमत पहली बार आए हैं हुकूमत में, और हुकूमतों में होता क्या है, वो उनको अच्छी लगती होंगी जिन्हें पहली बार आए हैं, जो आते रहते हैं और जाते रहते, उन्हें पता है आना कितना, आना क्या है और जाना क्या है। मामला यह है कि आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम है बहुत बड़ा ये पाकिस्तान में, इसको रिजॉल्व करें। अब वो रिजॉल्व किसी ने करना है? बुनियादी तौर पर यह सियासतदानों का काम है कि वो बैठ के बात करें। ये अदालत का या फौज की जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी बनती है। बदकिस्मती से हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब से तो बात करते हुए डर लगता है, वो तो 11,000 वोल्ट का करंट मारते हैं आगे से। वो कहते हैं चोर है ना, गाली नहीं करनी। अब हम क्या कहें कि तुम गद्दार हो, तुम यहूदियों के एजेंट हो, तुम्हें फॉरन फंडिंग आती है, हम भी तुमसे बात नहीं करते? तो ऐसे तो नहीं चलेगा, लेकिन चल ऐसे रहा है। तो ये एक मसला है। सो सिर्फ
मसला ये नहीं है कि आइन में ये लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन में और भी बहुत कुछ लिखा है। आइन में, आइन जब दरवाजे पे दस्तक देता है तो आइन ये भी बताता है कि एक अदम एतमाद की शिक है आइन के अंदर, आप आइन को रीराइट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऐसा फैसला कर दें कि आप डिस्क्वालीफाइड भी हैं और आपके वोट भी गिरे भी नहीं गए और आप डिस्क्वालीफाइड भी हो गए हैं, और उस बुनियाद पर एक ज़िमनी इलेक्शन हो और एक पार्टी की हुकूमत बनवा दी जाए, उसको क्या कहेंगे? और रिव्यू पड़ा कोर्ट के अंदर तो उसको एड्रेस ना किया जाए? तो सवाल तो है ना जी, अब लोग घूमे तो नहीं है इस मुल्क में, 23 करोड़ का मुल्क है ये। इसलिए इंसाफ के पलड़े जब मरियम नवाज साहबा कहती हैं तो क्या गलत कहती हैं? पलड़े बराबर होने चाहिए, पलड़े बराबर करें ताकि फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर ना हो। सर मेरी राय बिल्कुल डिफरेंट है, मैं तो सजाओं का हामी नहीं हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी ख़ानदान में मेरी पैदाइश हुई है, 80-85 साल का हमारा सियासी सफ़र है, वो जद्दोजहद का ही सफ़र है। सजाओं से मसला मेरे ख्याल में हल नहीं होगा, हो सकता है मेरी इस राय से लोग इख्तलाफ करें, मेरी जमात में भी करें, हमारे हामी भी करें, ये तो गलती का एतराफ़ है और एक दूसरे को माफ़ करने की बात है, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि हमने ये गलती की है। और अगर हम सजाओं के मामले में चले जाएंगे तो हम मुल्क को मज़ीद बर्बाद कर देंगे, मेरी ये ज़ाती राय है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी गलतियाँ माननी चाहिए और ये तय करना चाहिए आइंदा ये गलतियाँ नहीं करेंगे, और जो गलील इल्ज़ाम हम एक दूसरे पर लगाते हैं उनसे हमें विड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि वो गलील इल्ज़ाम जब तक लगते रहेंगे बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा, बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा तो लोग जो हैं वो पिसते रहेंगे गलियों के अंदर, लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए मैं तो बातचीत के माहौल का हामी हूँ, मैं तो ये नहीं समझता कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच जाएं और कहें कि हम अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। जितना मर्जी नापसंद है हमें एक दूसरे की शक्ल, और जितनी मर्जी तलखी है एक दूसरे के साथ, रास्ता बातचीत से निकलेगा, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल सबसे पहले उसको बनाना पड़ेगा जो ज्यादती करता है, जो भी हम में से करता है, जो झूठ बोलता है, जो इंट्रीग करता है, और जिसे अभी तक बात की समझ नहीं आई कि मुल्क कैसे चल रहा है। वो मेरा जवान आदमी है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा फर्क है। अब जब आपको बता ही दी है तो फिर इसमें से क्या निकालना, थानू गल दस दी है। मुझे ना आपके सवाल पे जो इतराज़ है वो सिर्फ एक है, जब आप प्रोफेशनल बात करें तो उसमें पीटीआई या पीएमएलएन का जिक्र ना करें। एक मिनट यार, एक सेकंड ठहर जाओ। देखें ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनका सियासी जमातों से ताल्लुक नहीं होता, ये जो मेरे लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं ये पीएमएलएन के दौर में भी आप जानते हैं अफसरान थे, पीटीआई के दौर में भी थे, की पोजीशंस में थे, आज भी की पोजीशंस में है क्योंकि सीनियर लोग हैं इन्होंने उन्हें। नहीं यार प्लीज़, अब मुझे मेरी बारी है, एक सेकंड यार, मैं सीनियर बुजुर्ग आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, इसलिए मेरी बात आप सुन लें काइंडली। जी काइंडली, दिमाग बूढ़ा होना चाहिए काइंडली। जब हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स के बारे में तो इस तरह हम नहीं करेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी में जो अफसरान बैठे हैं वो सब पीटीआई के दौर के लगे हुए हैं, मैंने उनमें से किसी को बदला नहीं है, ज़रूरत नहीं थी, वो काम ठीक कर रहे थे। तो हम इस लड़ाई को यहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, बाकी मैं बात आपकी जो है वो अभी देख लेता हूँ। अब आप एक एक करके, एक मिनट 1 2 3 4 ओपी से बैठे हुए हैं मेरे एक दोस्त, उनकी बात सुननी है मैंने, इसे बंद कर दें, बंद कर दो काइंडली। लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ ही आपने अपनी पूरी जो अपनी हुकूमत की तरकीब भी बदल दी, एक साल पहले आप लोग गए थे ऊपर लॉन्ग मार्च कर रहे थे और आज एक साल बाद
उससे चार गुना ज्यादा महंगाई होगी। तो सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज को रखते हुए सामने आपने इलेक्शन की वजह हुकूमत नहीं, ये दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि जब हम लंदन गए थे तो वहाँ पे हमारी जमात की हद तक ये राय बन गई थी कि हमें हुकूमत छोड़ के इंतखाबात में जाना चाहिए। दुरुस्त है, मैं भी वहीं था तो मैं इसका गवाह हूँ। लेकिन अगली बात जो है वो पूरी दुरुस्त भी नहीं है और उसके अंदर कुछ चीज़ें कम है, मसाला कम है। एक तो ये कि ये PMLN की हुकूमत नहीं है, ये PDM और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है। तो तन्हा PMLN के पास ये इख्तियार नहीं था, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब अकेले ये फैसला नहीं कर सकते थे कि हमने हुकूमत छोड़नी है, हमें अपने एलाइज से बात करनी थी। सो जब पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एलाइज के साथ बात की तो वो इस पर कन्विंस नहीं थे। दूसरा इशू जो था वो था IMF, वो जो प्रोग्राम आया था जो इमरान खान अधूरा छोड़ गया था। तो जब IMF जो है उससे बात की गई तो ये मालूम हुआ कि IMF इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करेगा, वो केयर टेकर्स के साथ बात नहीं करेगा। और उस वक्त हालात ऐसे थे कि अगर हम छोड़ जाते, केयर टेकर आता तो उसी दौरान में डिफ़ॉल्ट हो सकता था। तो ये बड़ी सेंसिटिविटी थी। तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए भी इस टोकरे को सर पे हमें रखना पड़ा और हम इसको उतार नहीं सके। तीसरी बात ये थी कि इमरान खान साहब जो थे उनसे ये बड़ी गलती हुई, ये हमने नहीं की, उनसे गलती हुई, उन्हें सब्र करना चाहिए था, वो बेसब्रे हो गए थे। उनको ये बताया गया था कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर ये सोच मौजूद है, आप ज़रा सब्र करें और इलेक्शन की तरफ मुल्क चला जाएगा। लेकिन सब्र था नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना सियासतदान की तरह नहीं, डॉन की तरह बिहेव करते हैं। उनका ये ख्याल था कि अब ये तो मान ही गए हैं, हूँ मैं लॉन्ग मार्च अनाउंस कर देना है और कौम के पास ये मैसेज आएगा कि चूँकि मैंने लॉन्ग मार्च किया है और PDM दौड़ गई है और इलेक्शन कराने पर आ गई है। इस चक्कर में उन्होंने किया। और आपको याद होगा वो सीन जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और एक कॉल आती है जो उन्होंने सुनी नहीं थी। वो आप कभी इमरान खान साहब से पूछें वो कॉल किसकी थी, किसकी कॉल आपने नहीं सुनी थी। तो जब आप कॉल्स नहीं सुनते, जब आपके लिए रास्ता बनाया जा रहा था, आप रास्ता लेने के लिए भी तैयार नहीं होते, रास्ता देते भी नहीं हैं। आप चाहते हैं हर जगह आपको सियासी फ़ायदा मिले, आप ये चाहते हैं कि ये मैसेज जाए कि सारे सियासतदान लेट गए हैं और मैं सुपर्ब हूँ या मैं कोई किंग कॉन्ग हूँ। तो किंग कॉन्ग ये नहीं है, ये इसी को अपने बारे में गलतफहमी है कि ये कोई किंग कॉन्ग है। हम ना इसको टार्जन मानते हैं ना किंग कॉन्ग मानते हैं। तो एक बैरूपिया है, एक प्ले बॉय था, बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने इसको अपना लीडर मान लिया है। और वो भी जो लोग जो सहूलतकार थे आज वो भी मातम कर रहे हैं कि यार किस आदमी को हमने मुसल्लत किया। मेरा ख्याल है बहुत हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।